दोई के मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 3,60,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति का एक घोटाला है। छात्रों के नामांकन के आधार कार्ड से सिटिंग के दौरान ये खुलासा हुआ, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर विद्यार्थियों की फर्जी संख्या दिखाकर छात्रवृत्ति हड़पी जा रही थी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। हरदोई के मदरसों में ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 3,60,00,000 का ये फर्जीवाड़ा, विद्यार्थियों की फर्जी संख्या दिखाई गई और छात्रवृत्ति यहां पर ली जा रही थी इस फर्जी संख्या के आधार पर। मदरसों में आधार कार्ड अनिवार्य होते ही फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जांच के आदेश दिए। साथ ही आपको बता दें कि हरदोई में ये छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। मदरसों में आधार कार्ड जब अनिवार्य किए गए तो इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। विद्यार्थियों की फर्जी संख्या दिखाई जा रही थी और इस फर्जी संख्या के आधार पर यहां पर 3,60,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला किया गया है। जिलाधिकारी की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं, जांच हो पूरे मामले की, दोषी जो हो उन पर कार्रवाई। तो हरदोई में मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। मदरसों में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर ये फर्जीवाड़ा सामने आया।